राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप भी भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हो तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तरफ से आपके लिए सेना की खुली भर्ती यहां पे निकल के आ चुकी है। कहां पे आपकी भर्ती होगी, कब से कब तक आपकी भर्ती चलने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट पर आपके यहाँ पर भर्ती चलने वाली है, कौन कौन सी भर्ती के लिए जा सकता है, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हो, अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाती है। इसी के साथ अपना वीडियो वो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्रेडिंग रेजिमेंट सेंटर जबलपुर की तरफ से आपकी जो सेना की भर्ती है यह निकल के आई हुई है। यहाँ पे पूरे भारत के सभी राज्य के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में। यहाँ पर दोस्तों आपके स्पोर्ट्समैन के ट्रेल होने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पूरे भारत के सभी राज्य कैंडिडेट स्पोर्ट्स का ट्रेल देने जा सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि 13 सितंबर की जो आपके यहाँ पे भर्ती होगी स्पोर्ट्समैन की, आपकी भर्ती होने वाली है ऑल स्टेट के लिए। दोस्तों सुबह 5 बजे से आपके यहाँ पे रिपोर्टिंग है वो होने वाली है, ठीक है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को यहाँ पर स्पोर्ट्समैन की भर्ती कराई जाएगी और 6 से लेकर 12 सितंबर के बीच में आपके ट्रेल कराए जाएंगे। और 14 सितंबर की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया कि ऑल स्टेट अहीर जाति दोस्तों आपके यहाँ पे बताएगी, जाट और अहीर का जो आपका यहाँ पे भर्ती होगी या पे जनरल ड्यूटी के लिए आपकी कराई जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें 15 सितंबर की जो दोस्तों आपकी भर्ती होगी यहाँ पर राजपूत, हिंदुस्तानी, मुस्लिम और इन सभी के लिए आपकी यानी कि ऑल स्टेट की कैंडिडेट इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी राजपूत कास्ट है या फिर हिंदुस्तानी या फिर मुस्लिम अगर आप हो तो आप 15 सितंबर को जनरल ड्यूटी की भर्ती के लिए वहाँ पे जा सकते हो। और 16 सितंबर की अगर हम बात करें, डोगरा, गुज्जर और गुजराती ये सभी कैंडिडेट हैं भाई, पूरे भारत के जा सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें 17 सितंबर को दोस्तों आपके यहाँ पर बताया गया कि काफ़ी सारी कास्टें आपकी बताई गई, राजस्थानी, ठीक है, और इंडियन कास्ट, ऑल कास्ट यानी कि क्लास जितने भी आपके मतलब बनती है सभी कैंडिडेट्स भर्ती के लिए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपकी भर्ती होगी यहाँ पे भी जनरल ड्यूटी के लिए आपकी कराई जाएगी। और नेक्स्ट बात करें 18 सितंबर को दोस्तों आपकी यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए भर्ती होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट भाई जिनके फादर या फिर यानी कि जो म्यूजिशियन की पोस्ट के लिए आपकी भर्ती कराई जाएगी, यहाँ पे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के यानी कि जो बच्चे हैं वो इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। और कास्ट आपकी स्पेशल ये बताई गई है, अगर आपकी ये कास्ट बनती है तो आप 18 सितंबर को इस भर्ती के लिए जा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों भाई अपनी 19 सितंबर को दोस्तों आपको बता देते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर स्क्रीनिंग फॉर सोल्डर ट्रेडमैन म्यूजिशियन ओपन रैली, आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपकी भर्ती होगी म्यूजिशियन के पद के लिए आपकी कराई जाएगी। अगर आपको म्यूजिशियन की थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप इस भर्ती के लिए जा सकते हो। 19 सितंबर को आपकी द ग्रेडिंग रेजिमेंट सेंटर, दोस्तों आपको बता दें कि जो कैंडिडेट है भाई ओनली ग्रेडिंग रेजिमेंट सेंटर जबलपुर के, जिन बच्चों ने पहले यानी कि जिनके फादर या फिर ब्रदर वहाँ पर भर्ती हो देख चुके हैं, फिर हो चुके हैं, वही कैंडिडेट भर्ती ले जा सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर क्लर्क के लिए और आपके यहाँ पर भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें 28 नवंबर को दोस्तों आपका जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन का एग्ज़ाम होगा। और 30 जनवरी 2022 की अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम क्लर्क का कराया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोही, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो आपकी कम्युनिटी 90 का सर्टिफिकेट है दोस्तों आपका मांगा गया है, और नॉन रिस्क का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है भाई अपने सभी आपके पास होने चाहिए, आपकी फ़ोटो कॉपी भी साथ साथ होनी चाहिए, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी आपके यानी कि डॉक्यूमेंट बनते हैं आपने जरूर लेके जाने। अगर आप भी जबलपुर सेंटर में जाकर भर्ती देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपसे भी अपनी तैयारी खींच लो, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। और यानी कि 13 सितंबर से आपके यहाँ पे रनिंग है वो शुरू होने जा रही है, बाकी 6 से लेकर 12 सितंबर के बीच में आपके ट्रेल हो गए। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाती है। बस आज की वीडियो में यही जानकारी आपको बता दीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।